ओ राहुल, ओ राहुल, अबे सो रहा है क्या? उठ। ये साले सुबह सुबह आ जाते हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं है। हाँ बे भटकती आत्मा, बोल क्या हुआ? अबे इतना नहीं सोना चाहिए, चला जा नीचे, घूमने चल रहे हैं। कहाँ जाएगा बे? अबे यार चाय पी के आते हैं यार, काका की दुकान पे बहुत दिन से गए नहीं। चल ठीक है, चलते हैं। सालो तुम्हें लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, जब सोता हूँ ना तो घर पे मत आया करो, नींद बहुत तेज आती है मुझे। अबे चुप चुप पीछे देख, अबे ये तो पोचंती के लड़के लग रहे हैं, इनको तो हमने मना किया था ना यहाँ पे आने से, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आइयो जरा। तुम लोगों को मैंने बोला था ना रोजो के आसपास मत दिखना, तुम साले यहाँ पे कैसे? अबे समझा क्यों रहा है, मारो बे सब। साले आज के बाद दिख गए ना यहाँ पे, जान सी मार दूंगा, निकल लो अब फुर्ती में। ए लड़की तू भी घर निकल। भाई ये रुसो वाले कुछ ज्यादा चौड़ में हो रहे हैं, कल परसों हमारे दो बंदों को मारा उन्होंने। तू टेंशन मत ले, इनका भी टाइम आएगा। भाई भाई ये जो पीछे दो बंदे जा रहे हैं ना, ये रोजोक के ही हैं, इनमें से एक को मैं जानता हूँ। अच्छा, और तुम दोनों लड़को रुको, और तुम दोनों रोजोक में रहते हो? नहीं भाई हम रोजोक में नहीं रहते। भाई ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। भाई मैं कल स्कूल से घूमते घूमते जा रहा था ना, वहीं पे एक रोजोक में नाई की दुकान है, वहीं पे ये बाल कटवा रहा था कल। अच्छा ऐसी बात, तुम मारो फिर इनको। तुम दोनों अपने यहाँ पे जाके बोल देना ज्यादा चोड़ में ना आए, काले पोचंकी वाले यहीं पे फाड़ देंगे, समझ रहा है? चल निकल अब। छोटू मैं सुन रहा हूँ पोचंकी वालों ने तेरे को मारा। हाँ भाई यार मारा बहुत। अबे इनकी तो निकाल बे असला बारूद, चल जरा उनके एरिया में। सालू को अभी बता के आता हूँ, तू लेटे रह, अभी आते हम। सालो थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, तुम तो बेपरवाह हो गए। रोजोक के बंदे आके अपने एरिया में मार दिए तीन लोगों को, अब सालो को नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया। भाई सुनने में आ रहा है पोचंकी वाले हमारे दो बंदों को मारने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं चर्च में। अच्छा ऐसा क्या, चलो उस सालों को अभी टपकाते हैं। भाई भाई जो चर्च में अपने लोग पार्टी कर रहे थे ना, उनको रोजोक वालों ने बम मार दिया। क्या, इन सालों को मैंने बोला था सतर्क रहने के लिए, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब गाड़ी निकालो बे, चलो। अब तुम लोगों ने बहुत मार लिया, अब हमारी बारी है। भाई कब तक खून खराबा चलेगा, एक दिन तो रुकना पड़ेगा ना इसको। हाँ तू सही कह रहा है, एक ही दिन करते हैं सारा खून खराबा, ठीक है। पोचंकी वालों को बोलना पड़ेगा। लो भाई नाम लिया हाजिर, पोचंकी के लौंडे हैं ये दोनों। अच्छा और कोरे कल अपने यहाँ पे जाके बोल देना 12 बजे ठीक मिल जाए स्कूल में, कल इस लड़ाई का एंड कर देंगे, ठीक है। चलो निकलो अब यहाँ से।
अरे यार कब तक हम चुप चुप कर मिलते रहेंगे, चलो कहीं भाग चलते हैं। अरे नहीं नहीं किसी और को पता चल गया ना तुम रोजोक से और मैं पोचंकी से तो गड़बड़ हो जाएगी और लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। तू यार फिर क्या करे, कल स्कूल में पोचंकी वाले और रोजोक वाले इकट्ठा हो रहे हैं, इन दोनों का कुछ सुलह होगा या फिर लड़ाई होगी, पर इतना पता है कि कल लड़ाई एंड हो जाएगी। ठीक है बस जब तक हमें छुपके रहना है। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। तुम अपना ध्यान रखना, बाय बाय। अच्छा किया तुम लोग आ गए, आज लड़ाई खत्म कर देंगे पूरी। बोलने में टाइम वेस्ट मत कर, सीधे लड़ाई कर। मारो बे, जो सामने आए पेल दो साले को, छोड़ना मत आज। मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर इस लड़ाई को बंद करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और तुम्हारे भी। तुम सही कह रहे हो, ये लड़ाई बंद करते हैं। अरे ये लड़की क्यों झांक रही है इधर, ये लड़की क्या देख रही है इधर? मैं तो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को देखने आई थी। बॉयफ्रेंड? कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? अरे भाई रुको रुको रुको, मेरा माल है भाई, मेरा माल है। अरे भाई रुको रुको रुको। हाँ बोलो भाई क्या हुआ? अबे वो ये तेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ भाई मेरी गर्लफ्रेंड है ये। अबे ये तो रोजोक में रहती है। तो क्या दिक्कत है भाई, ये रोजोक में रहती है, मैं पोचंकी में रहता हूँ, प्यार नहीं हो सकता क्या? सही कह रहा है यार तू भी, हम दोनों को लड़ाई बंद कर देनी चाहिए हमेशा के लिए और दोस्त बन जाना चाहिए, क्यों? तुम एकदम ठीक कह रहे हो, चलो आज से हम दोस्त हैं और आज के बाद लड़ाई कभी नहीं होगी। ठीक है ठीक है, आज के बाद लड़ाई बंद।